माता की, भारत माता की, जय जय उत्तराखंड, जय जय उत्तराखंड। राज्य आंदोलनकारी अमर रहे, राज्य स्थापना दिवस के इस शुभ अवसर पर आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे प्रदेश के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी एवं यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी महानुभाव, मैं आप सभी का अभिवादन करता हूँ, आप सबको प्रणाम करता हूँ और आप सबकी उपस्थिति को स्वागत करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ। कार्यक्रम में उपस्थित हमारे दूर दूर से आए हुए सभी भाइयों बहनों, बड़े बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, उपस्थित हमारे छात्र छात्राओं, पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधुओं, मैं सबसे पहले आप सभी को आज राज्य स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और अभी विगत दिनों अल्मोड़ा जिले में हुई भीषण बस दुर्घटना में दिवंगत हुए सभी हमारे बीच के भाई बहनों को, बच्चों को, जिन्होंने जो हमारे बीच में अब नहीं रहे, उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ तथा बाबा केदार से घायलों के लिए प्रार्थना करता हूँ कि वो शीघ्र स्वस्थ हों। भाइयों बहनों, आज हमारा राज्य अपनी स्थापना के रजत जयंती वर्ष में प्रवेश करने जा रहा है। इस अवसर पर मैं उत्तराखंड राज्य निर्माण में अपना सर्वस्व निछावर करने वाले सभी अमर शहीदों, राज्य आंदोलनकारियों एवं मातृशक्ति को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ। आज के इस अवसर पर मैं पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न, परम श्रद्धे स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी नमन करता हूँ, जिनके प्रधानमंत्रित्व काल में उत्तराखंड राज्य की स्थापना का सपना साकार हुआ। यह हम सभी के लिए हर्ष की बात है कि स्वर्गीय अटल जी द्वारा पुष्पित और पल्लवित हमारा उत्तराखंड आज प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश का अग्रणी राज्य बनने की ओर अग्रसर है। भाइयों बहनों, आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन एवं सहयोग से सभी क्षेत्रों में हमारे प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर आज तेजी से मजबूत हो रहा है। आज शहर से लेकर सुदूर पर्वतीय क्षेत्रों तक सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। विभिन्न जनपदों के लिए हेली सेवाएं प्रारंभ करने के साथ ही विभिन्न एयरपोर्ट्स और हेलीपोर्ट्स को विकसित किया जा रहा है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन के जगह शीघ्र ही पहाड़ में रेल पहुंचने का सपना साकार हो रहा है। राज्य के विभिन्न जिलों में मेडिकल कॉलेजों की स्थापना करने के साथ ही एम्स ऋषिकेश के सैटेलाइट सेंटर का निर्माण कार्य भी किया जा रहा है। आज उत्तराखंड पर्यटन, कृषि, बागवानी और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिसकी वजह से राज्य में बृहद स्तर पर व्यवसाय, रोजगार और नौकरियों के अवसर सृजित हो रहे हैं। हमारी सरकार ने औद्योगिक नीति, लॉजिस्टिक नीति, स्टार्टअप नीति सहित अनेक नई नीतियां बनाकर राज्य में पूंजी निवेश के अवसरों को बढ़ाने का कार्य किया है। इसके साथ ही उधम सिंह नगर के खुरपिया में शीघ्र ही एक इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी स्थापित होने जा रही है। वो दिन दूर नहीं जब हम प्रदेश में रोजगार के अवसरों को बढ़ाकर राज्य से पलायन की समस्या को जड़ से खत्म कर सकेंगे। भाइयों बहनों, हमने उत्तराखंड का विकास सुनिश्चित करने के साथ ही प्रदेश के हित में कई कठोर ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। यूसीसी का कानून पास करना हो, देश का सबसे कड़ा नकल विरोधी कानून लागू करना हो, या फिर धर्मांतरण रोधी कानून हो या दंगा रोधी कानून लागू करना हो, हमारी सरकार ने प्रदेश में सुख, शांति और सुशासन स्थापित करने का प्रयास किया है। इसके साथ ही हमारी सरकार ने जहां एक ओर लैंड जिहाद के खिलाफ अभियान चलाकर प्रदेश में 5000
एकड़ से भी अधिक सरकारी जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराने का कार्य किया है। वहीं सरकारी नौकरियों में राज्य आंदोलनकारियों को 10% एवं महिलाओं के लिए 30% क्षैतिज आरक्षण लागू करने का ऐतिहासिक कार्य भी किया है। इतना ही नहीं, हमने राज्य में दंगारोधी कानून बनाकर और थूक जहाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करके ये बता दिया है कि हम देवभूमि की महान संस्कृति से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। हम शीघ्र ही राज्य में एक सख्त भू कानून लाकर राज्य के मूल स्वरूप के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। हमारी सरकार द्वारा किए जा रहे इन अभूतपूर्व कार्यों एवं निर्णयों के प्रयासों के सकारात्मक परिणाम देखने को भी मिल रहे हैं। नीति आयोग द्वारा सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के इंडेक्स में उत्तराखंड को देश में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। हमारे प्रदेश को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, अचीवर्स तथा स्टार्टअप रैंकिंग में लीडर्स की श्रेणी प्राप्त हुई है। हमने एक वर्ष के भीतर बेरोजगारी दर में रिकॉर्ड 4.4% की कमी लाकर राष्ट्रीय औसत को भी पीछे छोड़ने का काम किया है। भाइयों बहनों, उत्तराखंड के लोग अपनी प्रतिभा, लगन, परिश्रम, ईमानदारी और निष्ठा के बल पर देश विदेश में उत्तराखंड का नाम रोशन कर रहे हैं। पिछले वर्ष की भांति ही इस वर्ष भी राज्य के ऐसे 5 प्रतिभाशाली व्यक्तित्वों को उत्तराखंड गौरव सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। इस वर्ष उत्तराखंड गौरव पुरस्कार से सम्मानित होने वाले भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल श्री अनिल चौहान जी, उत्तराखंड के जाने माने लोक गायक श्री प्रीतम भरतवाण जी, समाज सुधारक एवं आध्यात्मिक गुरु माता श्री मंगला माता जी, अभिनेता श्री हेमंत पांडे जी और बीते 3 दशकों से चिकित्सा क्षेत्र में अपना योगदान देने वाले चिकित्सक डॉक्टर महेश कुड़ियाल जी को मैं हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, आज के इस अवसर पर मैं निम्न घोषणाएं भी करना चाहता हूं कि राज्य में सड़क दुर्घटनाओं को प्रभावी रोकथाम हेतु विभिन्न विभागों को साथ लेकर समग्र नीति बनाई जाएगी। राज्य में आपदा के कारण मार्ग एवं पुलों के बह जाने की दशा में यातायात को तुरंत सुचारू रूप से संचालित करने के उद्देश्य हेतु बैली ब्रिज स्थापित किए जाएंगे। उत्तराखंड राज्य में महिलाओं का समग्र विकास सुनिश्चित करने हेतु महिला नीति यथाशीघ्र अधिसूचित की जाएगी। आगामी राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड के जो खिलाड़ी मेडल जीतेंगे उनको पुरस्कारों हेतु नियत धनराशि के बराबर उतनी ही धनराशि राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त रूप से दी जाएगी। उत्तराखंड से बाहर देश के दूसरे राज्यों में रहने वाले प्रवासियों हेतु राष्ट्रीय उत्तराखंडी प्रवासी दिवस यानी कि प्रतिवर्ष नवंबर माह में आयोजित किया जाएगा, जिसकी हमने इस वर्ष शुरुआत की है, तथा विदेशों में रहने वाले प्रवासी उत्तराखंडियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय उत्तराखंडी प्रवासी दिवस प्रतिवर्ष जनवरी माह में आयोजित किया जाएगा। 50 एवं उससे अधिक जनसंख्या वाले सभी गांवों को एक नियोजन के तहत 2030 तक सड़क मार्ग से जोड़ा जाएगा। राज्य में युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए एक विशिष्ट युवा नीति बनाई जाएगी। सड़कों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु कॉन्ट्रैक्टर एवं अभियंताओं का उत्तरदायित्व निर्धारित करने के लिए विशेष प्रक्रिया बनाई जाएगी। महिलाओं को प्रसव के दौरान जच्चा बच्चा की देखभाल हेतु मुख्यमंत्री जच्चा बच्चा प्रोत्साहन सहायता प्रदान करने के लिए कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी। भाइयों बहनों, मुझे पूरा विश्वास है कि आज से प्रारंभ होने जा रहा राज्य स्थापना का ये रजत जयंती वर्ष उत्तराखंड को देश के अग्रणी राज्य बनाने की दृष्टि से ऐतिहासिक वर्ष साबित होगा। मैं आज के इस अवसर पर आप सभी को यह विश्वास दिलाता हूं कि हमारी सरकार उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए विकल्प रहित संकल्प के मूल मंत्र के साथ निरंतरता और ध्येय के साथ काम करती रहेगी। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का हृदय से धन्यवाद करते हुए आप सबको शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं।
बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।